एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वो है एक्सकवेशन हजार्ड्स एंड प्रकॉशंस। ठीक है, एक्सकवेशन हजार्ड्स पर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुकी हूँ, आप एक बार चेक कर लीजिएगा वीडियो को, एक्सकवेशन हजार्ड्स के नाम से होगा। ठीक है, अब ये मैं आपको कंस्ट्रक्शन सेफ्टी पढ़ा रही हूँ, जिसमें कि मेजर एक्टिविटीज़ ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट चैप्टर है, जिसका टॉपिक है एक्सकवेशन हजार्ड एंड प्रकॉशंस। तो इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, जिससे कि कोई भी टॉपिक छूटे ना। ठीक है, तो एक्सकवेशन, सबसे पहले एक्सकवेशन का मतलब क्या होता है? एक्सकवेशन मतलब जो भी जैसे कि कोई बिल्डिंग बन रही है, कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट है, जो उसका फाउंडेशन के लिए जो गड्ढे खोदे जाते हैं उसको बोलते हैं एक्सकवेशन। पाइपलाइन के लिए जो गड्ढे किए जाते हैं जेसीबी से या मैन्युअली कोई भी कर रहा है, तो उनके बारे में, ठीक है उसको बोलते हैं, ठीक है, तो उनको बोलते हैं एक्सकवेशन। अब एक्सकवेशन पे क्या क्या हैजार्ड हो सकते हैं, अब देखा जाए तो बहुत सारे हैजार्ड्स हो सकते हैं। सबसे पहले तो हमें केयरफुली करना पड़ेगा ये काम का, जब भी एक्सकवेशन कर रहे हैं तो मैन्युअली अगर कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कोई वायरिंग नीचे से जा रही हो और आपको करंट लग जाए, शॉक लग जाए, या किसी की पाइपलाइन फूट जाए तो नुकसान है ना। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो केयरफुली अगर करी जाए तो आप उसको ठीक से कर सकते हैं, पर हाँ, कोई एक्सपीरियंस पर्सन अगर ये काम कर रहा है तो वो सेफ रह सकता है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद क्या हजार्ड्स हो सकते हैं? अब मान लीजिए आपने गड्ढा खोद के रखा बड़ा सा, अब कोई गाड़ी बगल से निकल के गई, उसके पास से निकल के गई, और जो मिट्टी आपने बाहर खोद के रखी थी वो सारी उसके वाइब्रेशन से वापस गड्ढे में रह चली गई, फिर क्या होगा? आपकी मेहनत पे तो पूरा पानी फिर गया ना। तो इस तरीके से हमें कुछ प्रिकॉशंस लेते हैं, जो कि मैंने आपके पहले वाले वीडियो में समझाया था, ट्रेसिंग करते हैं, ब्रीसिंग करते हैं, ये सारी चीज़ें। क्या करते हैं? पार्टीशन लगा देते हैं, जैसे गड्ढा खुद गया, अब हम क्या करेंगे, वुड की या फिर स्टील की या किसी की भी वो प्लेट्स जो रहती है उनको लगा के हमने उसको सपोर्ट दे दिया कि वो गड्ढा जो है वो कहीं ना जाने पाए। ठीक है, इस तरीके से अब जहाँ गड्ढा खुद रहा है उसके आसपास पूरा कोहेजन लगा दिया, बता दिया कि हमारे इधर अभी एक्सकवेशन वर्क चल रहा है, इधर का एरिया अभी रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, इसके अंदर कोई भी एंट्री नहीं कर सकता, नो एंट्री, नो व्हीकल एंट्री, इस तरीके से आप प्रिकॉशंस लगा दे। ठीक है, कोहेजन्स लगा दे। उसके बाद आपको ये भी चेक करना है कि मतलब सब लोग इतने केयरफुल रहे, कोहेजन लगाने के बाद कोई भी एक्स्ट्रा पर्सन मतलब जो काम कर रहे हैं उनके अलावा कोई पर्सन उसमें एंटर ना करे। अगर एंटर करता है और मान लीजिए बाय चांस वो गड्ढे में गिर जाता है तो बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। ठीक है, उसके बाद ध्यान रखें कि वहाँ आसपास कोई इतना पानी वानी ना फैला दे कि जो गड्ढा आपने काम के लिए खोदा उसके अंदर पानी ही भर जाए। उसका एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट बना दे, फिर जैसे गड्ढे के अंदर जो काम करेंगे, फाउंडेशन कर रहे हैं तो वो काम करेंगे, कोई भी काम कर रहे हैं तो हमें उसके अंदर आना जाना पड़ सकता है अगर ज़्यादा गहरा गड्ढा हमने खोदा हुआ है तो उसके लिए एक वे बना लें। ठीक है, किसकी हेल्प से? आप वो अपने स्कैफोल्डिंग जो लगाते हैं उनकी हेल्प से आप इस तरीके से अपना वे बना सकते हैं, रास्ता बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप खुद को सेफ रख सकते हैं। ठीक है, और बाकी कोलैप्स वगैरह जो है, सपोर्टिंग टिम्बर्स आप ले सकते हैं, 45 डिग्री का एंगल दे के उसमें अगर आप ट्रेंसिंग करते हैं तो क्या होता है, वो जो गड्ढा आपने खोदा है ना वो मतलब इधर उधर ना हो, जैसे कि मिट्टी जो है वो उसमें वापस ना भर जाए। ठीक है, कोई और प्रॉब्लम ना आ जाए जिस वजह से हम ये सारी चीज़ें करते हैं। तो ये तो मैंने बात किसकी की, आपकी पूरी, इसमें क्या क्या हैजार्ड हो सकते हैं और हम किस तरीके से क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। अब पूरे प्रिकॉशंस की बात करेंगे कि हम क्या क्या प्रिवेंशन ले सकते हैं, प्रिकॉशंस ले सकते हैं, एज ए ह्यूमन बींग हम क्या क्या कर सकते हैं खुद को सेफ रखने के लिए, वर्कर्स को सेफ रखने के लिए। तो उसके बारे में हम क्या क्या कर सकते हैं, तो एक्सकवेशन को कभी भी छोटी मोटी रिस्क ना समझे, उसमें ग्रेटेस्ट रिस्क हो सकती है। ठीक है, एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देना इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ट्रेंड एम्प्लॉयज़ होंगे तभी आपका वर्क आगे अच्छे से हो सकता है। ठीक है, वर्किंग क्या क्या उनकी रहेगी, कैसे काम करना है, सबको अपना ओन वर्क पता होना चाहिए एक्सकवेशन में, क्योंकि इसमें एक्सीडेंट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं, तो आपको फोकस ऑन ट्रेनिंग करना है। ठीक है, आपको खुद तो बचना ही है, मान लीजिए आप हो, आपको खुद तो बचना ही है, आपको अपने वर्कर्स को भी बचाना है, और कोशिश करें उस साइट पर वर्क करने वाला, उस एक्सकवेशन वर्क को करने वाला जो जो इंसान है उस सबको फायर सेफ्टी की ट्रेनिंग हो। ठीक है,
उसको वर्क करने की ट्रेनिंग हो, प्लस उसको एक्सकवेशन में कैसे वर्क करना है। कभी कभी क्या होता है, किसी को नहीं काम करना आता और वो फिर भी उसे कर रहा होता है, तो इसकी वजह से भी एक्सीडेंट्स काफ़ी सारे क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है। तो वो भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको फोकस करनी है, ट्रेनिंग पर फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस बीच, क्योंकि अगर ट्रेनिंग पर आप फोकस कर लेते हैं तो आधे से ज़्यादा एक्सीडेंट्स आप खुद ही रोक सकते हैं, ठीक है ना। तो ये मैंने एक्सकवेशन हज़ार्ड्स एंड प्रिकॉशंस के बारे में बताया, कंस्ट्रक्शन सेफ्टी का ये टॉपिक था। सो थैंक यू।